मैं सूर्य हूँ, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। 777 चार्ली का 2 दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बताने वाला हूँ अपडेट के हिसाब से। जितने अपडेट्स मुझे प्रॉपर तरह से मिली है वही मैं बताने वाला हूँ। 777 चार्ली ने मेरे ख्याल से लोगों का दिल जीता है अक्रॉस इंडिया, और इसके एडवांस बुकिंग रिपोर्ट या जो भी हिंदी वर्जन के मैं आंकड़े आपको जो भी जितना समझ में आता बताया था, तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि फिल्म को लोग पसंद कर रहे हैं इंडिया और इंडिया के बाहर भी। तो यहाँ पे मैं आपको इंडिया और इंडिया के बाहर दोनों के आंकड़े बताने वाला हूँ। इसका बजट कुछ ऑफिशियल पता नहीं, लेकिन फिर भी 15 करोड़ तक बताया जा रहा है। और डे वन इसका हुआ कलेक्शंस कम से कम डे वन और डे टू मिलाकर, पहले दिन का कलेक्शंस कुल 6.5 करोड़ बताया जा रहा है। पहले दिन का कलेक्शंस 6.5 करोड़, 2 दिन का कलेक्शंस कुछ नहीं तो 14 करोड़ तक का नेट बताया जा रहा है। नेट कलेक्शंस यानी कि जो हम हिंदी वर्जन में आंकते हैं या हिंदी मार्केट के जो कलेक्शंस आते हैं उसे हम नेट में ही तोलते हैं, यानी कि 14 करोड़ नेट कलेक्शंस है 2 दिन का। 16.4 करोड़ ग्रॉस कलेक्शंस है इंडिया का, 16.4 करोड़ यानी कि 16 करोड़ 40 लाख ऐसा कलेक्शंस है ग्रॉस कलेक्शन। ओवरसीज मार्केट की बात करें, ओवरसीज मार्केट का ऐसा कलेक्शंस है 2.6 करोड़ 2 दिन का, 2.6 करोड़ यानी कि 2 करोड़ 60 लाख। और ओवरसीज मार्केट और इंडिया का दोनों का ग्रॉस कलेक्शन अगर मिला दे तो 2.6 करोड़ प्लस 16.4 करोड़ यानी कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन फिल्म का 2 दिन का 19 करोड़ तक आ रहा है। इसका मतलब साफ है, जिसे मैं बात कह भी रहा था, यही चीज मैं कह भी रहा था आज सुबह जब मैं बात कर रहा था कि कितना तक हुआ होगा इसका अक्रॉस इंडिया। और यहाँ पे 3 दिन तक का वर्ल्ड वाइड टोटल कुछ नहीं तो 34-35 करोड़ तक जाएगा, ये बात पक्की है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो बाय।